मैं डॉक्टर मनीषा बांगर हूँ और मूलवासी संघ दिल्ली से हूँ, नेशनल इंडिया न्यूज़ की डायरेक्टर भी हूँ। और देख, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो संविधान का आर्टिकल आपको, मिस्टर मोदी को और बीजेपी को यह हक देता है कि वो सिटीजन बिल में अमेंडमेंट करे, वही पूरा का पूरा संविधान भी आपको बताता है कि संविधान का जो प्रियम्बल है और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत करना है, उसके बाहर जाकर नहीं करना है। आपने जो किया है ये उसके बाहर जाके किया है, तभी जामिया की लड़कियां और छोटी छोटी बच्चियां वह सब की सब आपको संविधान की कॉपी प्रेजेंट करना चाहती है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आना चाहिए मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह आपको कि स्कूल की बच्चियां, कॉलेज की बच्चियां और स्टूडेंट्स और छात्र आपको संविधान सिखाने को निकले हुए हैं। आपने ये जो हालात देश में पैदा किए हुए हैं, ये देश पूरे उस समय को जानता है कि जब नोटबंदी के तहत पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था आपने तुगलकी फरमान से पूरी तरह से बर्बाद कर दी। उसके बाद में आप बाहर के देश के लोगों को और चुन चुन के इस्लाम फॉलो करने वाले देश के लोगों को आप यहाँ पर सिटीजनशिप दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वो प्रोसिक्यूटेड है। प्रोसिक्यूशन का नाम वो आपके इसमें आया भी नहीं है। आपका जो मैंने बिल है वो मैंने पढ़ा है और उसमें प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी करके नहीं आया है। आपने श्रीलंका को इंक्लूड नहीं किया, आपने बर्मा को इंक्लूड नहीं किया, आपने इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में फसाद निर्माण करने के लिए पैदा किया है। आपकी कोई साजिश हिंदू मुस्लिम वाली काम नहीं आई, इसलिए आपने दुनिया के सामने ऐसा प्रोजेक्ट करके कि हम बहुत रहनुमा लोग हैं और हम लोगों को यहाँ पर आके बसाने वाले हैं। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, बीजेपी को पूछना चाहती हूँ और तमाम लोगों को पूछना चाहती हूँ, मिस्टर शाह, मिस्टर मोदी, कि इस देश के अंदर जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इस देश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप उनको यहाँ पर तंग करोगे, आप उनका नरसंहार करोगे, आप उनका जेनोसाइड करोगे और बाद में आप उनको दुनिया के लोगों को जिनका की मालूम नहीं है उनको आप यहाँ पर दोगे, और खास करके आप मुसलमान कम्युनिटी को उसमें से बरी करके आपने इसको हिंदू बनाम मुसलमान बनाने की पूरी साजिश की है। CAA के साथ में NRC पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें से जो निकल आएंगे उसको NRC के अंदर में लेकर आप डिटेंशन कैंप में भेजने की तैयारियां कर रहे हो। हमको मालूम है कि आसाम में वो डिटेंशन कैंप लगे हैं, हमको मालूम है कि कर्नाटका में वो लग रहे हैं, हमको मालूम है कि पूरे देश में की जो आप व्यवस्था है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं के प्रताड़न का मुद्दा जो है, आप देश का पूरा संविधान पूरी तरह से बर्बाद इन 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 तरह से कर दिया गया है, उसके ऊपर आप एक पूरी तरह से मुहर लगाना चाहते हो। तो इसमें जो स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं, हैदराबाद की आवाम जो यहाँ पर आई हुई है, उनके साथ में यहाँ पर आई हूँ और यह जो है ये सभी का मुद्दा है, ये कोई रिलीजियस मुद्दा है ही नहीं। संविधान में जब रिलीजन नहीं है तो सवाल ही नहीं पैदा होता रिलीजन का मुद्दा बनाने के लिए। मोदी और शाह को मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपने कागजात पहले बताइए, आप बताइए अपने कागजात, आपके कागजात, आपकी डिग्री मालूम है हमें कहाँ की डिग्री आपके पास है? आप अनपढ़ बिल्कुल बेअक्ल लोग देश के इसमें पूरे संसद में आपने बलात्कारी लोग भर के रखे हुए हैं, आपने पूरे संसद में पूरी तरह से अनपढ़ गवार लोग भर के रखे हुए हैं। तो इस तरह की ये जो साजिशें चल रही है इसके लिए पूरे देश की आवाम लगी रहेगी, आपको तकाजा नहीं होगा, आपको अभी नहीं मालूम हो रहा है, आप बहुत अचरज में हो, मैं जानती हूँ। मोदी और शाह और बीजेपी के लोग बहुत अचरज में हैं, 10% लोगों के फायदे के लिए, 10% उच्च वर्णीय लोगों के फायदे के लिए आप पूरे दुनिया का के सामने इस देश का नरसंहार कर रहे हो, लेकिन आप, मुझे मालूम है कि आप बहुत चकित हो, आपको बहुत अचरज हो रहा है कि जितना आपने झगड़ा लगाने की कोशिश की थी वो नहीं लगी, ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके उल्टा सारे धर्म के लोग, इस देश का सिटीजन, इस देश का नागरिक इकट्ठा आ रहा है और यही इस देश की खूबसूरती है, यही इस देश का संविधान है। आपने संविधान को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, लेकिन वो संविधान जो सबके दिल में बिठा हुआ है उसको आप कैसे नेस्तनाबूद करोगे? जय भारत, जय संविधान।